नमस्कार, आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़ और मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय एक खुश समाचार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बस में इस समय बिल्कुल आग लग चुकी थी और बिल्कुल फायर ब्रिगेड यहां पे पूरी तरह से मौजूद है। इसे आग को बुझा दिया गया है, लेकिन आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल इस समय हम आपको पूरी चेक पोस्ट के साथ ये लगते कि यहाँ का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस में आग लगने का कारण जो अभी तक पता चल यही बताया जा रहा है कि इंजन की वजह से इस बस में आग लगी थी और गनीमत ये रही कि इसमें कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। आइए यहाँ पे जो भी यहाँ पे मौजूद थे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और गनीमत ये रही कि कोई भी इस बस में इंजर्ड नहीं हुआ है और कुछ देर पहले ही इस बस में आग लगी थी जिसे अभी बुझा दिया गया है। बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सर, एक कब का वाकया और कैसे आग लगी इसके बारे में? सर 10 मिनट पहले जी। तो कोई घायल हुआ इसमें? नहीं सर। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी ये? ये सर कटरा बस स्टैंड से जम्मू रेलवे स्टेशन के लिए जा रही। तो कैसे आग लगी, कैसे पता चला? सर ऐसे तारों की स्मेल जैसी आ रही थी वायरिंग की, तो हमने जैसे बांट उठाया गाड़ी का तो इंजन में पूरा आग पकड़ी हुई थी। इंजन में आग कंट्रोल नहीं हो पाई। सब गाड़ियों वालों ने पानी पूनी सब कोशिशें की जी, लेकिन आग कंट्रोल नहीं हुई। तो कितने सवारी इसमें सवार थे? सर 38 से 40 सवारियां गाड़ी में थी जी। सब से बिल्कुल एक बड़ा हादसा होने से बच गया बच गया सर। तो फायर ब्रिगेड कब तक पहुंची यहां पे? सर अगले 20 मिनट तक पहुंची। 20 मिनट आधा घंटा लग गया फायर ब्रिगेड को पहुंचते। आप इसके बच्चा? मैं ड्राइवर हूं। क्या नाम है सर अपना? मोहम्मद रफीक। कहां से सर आप? हम सर रियासी सरंजी से जी। तो फिलहाल देख सकते हैं गनीमत ये रहे कि जो कि एक बड़ा हादसा होने से बच चुका है और इस समय आप NH1 न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं जो बस की जो खस्ता हालत हो चुकी है। बिल्कुल देख सकते हैं बस अगर कुछ देर ही अगर और आग रहती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल सकता था, लेकिन ड्राइवर का कहना था कि इंजन के कारण इसे बस में आग लग चुकी थी और पैसेंजर इसमें मौजूद है। हिम्मत रही ये रही कि जो भी पैसेंजर जो भी इसमें सवार थे उसे कहीं ना कहीं सुरक्षित सबको निकाल दिया गया, लेकिन बस की आप हम आपको अंदर से थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करेंगे। बस की खस्ता हालत हो चुकी है, लेकिन इस समय बस की जो कंडीशन है बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है, लेकिन गनीमत ये रही कि जो भी इस समय श्रद्धालु इस समय जो भी मौजूद थे वो इन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षित निकाल दिया गया है। मैं आपको बस का नंबर दिखाना चाहूँगा, JK2AN4971 बस का नंबर है। इस समय बस की जो खस्ता हालत हो चुकी है फाइव ग्रेड बिल्कुल इनसे बात करेंगे। सर आपको कब कॉल आई थी और कितने टाइम में आप यहाँ पे पहुँचे? हमें कॉल आई सर जी, तो हमने एक्शन किया और मौके आकर पहुंच गए। तो जब आप आए तो बस की कितनी खस्ता हालत हो चुकी थी? बस की आग लग गई थी बस में, तो हमने जो ही पहुंचे तो एक्शन फटाफट शुरू किया जी। तो उसके बाद कंट्रोल कर लिया, कोई किसी की दखल होने की कोई वो नहीं है, हमारी कोई इंजोर या कोई दखल नहीं है, सब सेफ है। धन्यवाद जी। देख सकते हैं फाइव ग्रेड भी कहने की मौके पर पहुँच चुकी थी, लेकिन फिलहाल कहने की बस की जो खस्ता हालत जरूर हो चुकी है, बस जल के बिल्कुल राख हो चुकी है।